राम राम जी सर, मैं हूँ थारी गले कुलदीप के। तो ये एक नाई की दुकान है। मैन मुद्दा भाई सब जय श्री राम। किसा काम करो वहाँ पे, जो लोग मतलब यहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे भी आएंगे। भाई साहब हम काम ऐसा करा है कि कस्टमर संतुष्ट। अच्छा, बाहर मैंने पढ़ा कि ना बोर्ड पे लिख रहा है ऊपर जय श्री राम लिख रहा है, पूरी संतुष्टि मिली भाई साहब। संतुष्टि चक्कर में हम इतने दूर से दूसरे जगह थी, पहले वाली जगह जाते थे, काम का पता चला भाई ना दूसरा काम शुरू करा है, तो इधर आ गया हम भी 10 किलोमीटर घूम के इधर आए। क्यों भाई ये नाम के लाई नहीं है। राम राम जी सारे, मैं हूँ थारी गले कुलदीप के। और इस समय खड़े हम माल टाउन के अंदर, और माल टाउन की बात बता दे तो हमें हमारे पीछे देख सको आप, एयरपोर्ट हेयर सैलून बनाया है भाई बालों का अड्डा। तो ये एक नाई की दुकान है, और इस पर खास आप देख सको भी मेन ब्रांच जट रोड नियर आठ मरला तीसरी ब्रांच। ऐसा क्या है इस दुकान में, ऐसा इस एयरपोर्ट नाम में क्या है जो ने तीसरी दुकान करनी पड़ी? ऐसा किसा काम करा है या भीतर क्या बना हुआ है, ये क्या करा है? भीतर जाके देखेंगे। बात करें तो हम दुकान के अंदर बाहर ही आ गए, तो एयरपोर्ट के नाम से सैलून बनाया भाई ने, तीसरी दुकान खोल दी। पता नहीं ऐसा क्या करा है भीतर जो इन तीसरी ब्रांच खोलनी पड़ी। तो भाई सबसे पहला राम राम भाई साहब। राम राम भाई, क्या नाम अपना? सुखदेव सैंडोलिया। सुखदेव सैंडोलिया साहब भीतर नहीं लोगे क्या? आ जाओ भाई भीतर चलते हैं। और बात करें तो हम तीसरी जो ब्रांच खोल ली है, इसके साथ कितना बढ़िया काम करा है, अके करा है ये, या फिर इनके भीतर नोट बनाने की मशीन है जो तीसरी ब्रांच पानीपत में खोल दी? डुलिया साहब क्या बना है ऐसा, के बनाओ ऐसा जो तीसरी ब्रांच भी खोल दी हर साल भीतर? भाई साहब पहले तो नमस्कार। नमस्कार भाई। जय हिंद। जय हिंद। जय हरियाणा। जय हरियाणा। जय श्री राम। जय श्री राम। मैन मुद्दा भाई साहब जय श्री राम का, और कोई मुद्दा नहीं है। मैन मुद्दा है अपने अंदर की क्वालिटी। ठीक है, देखो काम दुनिया करा है, आओ दिखाओ, देखो सैलून दिखाओ भाई। तो ये सैलून है भाई पूरा, ये तीसरी ब्रांच है भाई, तीसरी ब्रांच है, चार सीटिंग एरिया बनाए हुए है। और बात करें तो हम तीसरी ब्रांच, बार बार वही बात घूमका हुआ, तीसरी ब्रांच तीसरी ब्रांच तीसरी ब्रांच की है तीसरी ब्रांच में। और इससे पहले दो ब्रांच इसी की थी जो तीसरी ब्रांच भी बना दी। डुड़िया साहब पहले तो क्वालिटी बताओ, क्या क्वालिटी है? क्वालिटी अपने अंदर भाई। अच्छा, क्वालिटी अपने अंदर है, अपने अंदर हुनर है, जो काम हम कर रहे हैं शायद कोई और भी करता हो, लेकिन जो हमारी अपनी क्वालिटी है वो हमारे अंदर है, वो शायद किसी और के पास ना हो ना हो। तो बात करें तो मैं एड्रेस बता दूं, ये जो है जो शॉप जो तीसरी बनाई गई है, तीसरी ब्रांच खोली गई है, ये जो बाल विकास रोड है जो शांति और शांति नगर और विराट नगर के बीच का जो रास्ता है उसी रोड के ऊपर है। और भाई तो बात करेंगे हम, कितने कारीगर यहाँ पे हैं अपने पास? अपने पास यहाँ चार हैं बस, चार कारीगर है। अच्छा, इससे पहले जैसे दो ब्रांच थी, दो ब्रांच जब खोली, अभी भी है, सॉरी है अभी भी है, किसा काम करो वहाँ पे, जो लोग मतलब यहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे भी आएंगे? भाई साहब हम काम ऐसा करा है कि कस्टमर संतुष्ट संतुष्ट हो जाए, हम तो संतुष्ट करके भेज दें। जब तक कस्टमर ये नहीं कहेगा कि तबीयत खुश होगी, जब तक काम करने का फायदा ही नहीं। अच्छा, के करेगा रहा वो जो मान ले तबीयत खुश नहीं हुई तो? तबीयत खुश नहीं, सही बात है। काम ऐसा करो दिल लगा कर। अच्छा, ये जो तीसरी ब्रांच आपने बनाई है, साल भीतर बढ़ा दी, किसा कस्टमर आ गया? पहली ब्रांच बनाई थी 21/7/21 को, 7/21 को, 21/7/21 का जट रोड पे आठ मरले के पास मुहूर्त था अपना पहली ब्रांच का। ठीक है, उसके बाद दूसरी ब्रांच बनाई मैंने 7/11/21 को। अच्छा जी, दूसरी ब्रांच पे भी बढ़िया रिस्पॉन्स है। दूसरी ब्रांच कहाँ है? दूसरी ब्रांच अपनी नवी स्कूल के पास है, आर के पुरम में। हाँ, वो एक मिनी ब्रांच है जी। और ये तीसरी ब्रांच है सर, इसका आज मुहूर्त है 2/7/22। 2/7/22, ये भी 7 हो गया। हाँ, चलो पूरा साल हो गया। बात करें तो हमें इमें साल होगा 21 तारीख को जी। अभी भी काम चल रहा है? हाँ, क्या बिल्कुल काम चल रहा है। ये थोड़ा रेनोवेट के चक्कर में हमने सारा ठीक करवाया है, ये कि मुहूर्त के चक्कर में थोड़ा रोक दिया था, बस थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी सब यहाँ बहुत काम करवाया मैंने आने के बाद। कम से कम मैंने यहाँ 1.5 लाख रुपया और इन्वेस्ट कराया है। अच्छा, उसके बाद कारीगर बदले हैं,
ठीक है, बहुत चेंजिंग करी है। अच्छा, बाहर मैंने पढ़ा आगे ना बोर्ड पे लिख रहा है ऊपर जय श्री राम लिख रहा है, नीचे लिख रहा है यूनिसेक्स सैलून और हेयरपोर्ट बालों का अड्डा, मतलब यो नाम भी क्या सोच कर रखा था? या एक सोची समझी साजिश कह सकते हैं। अच्छा, मजाक में बोले तो ये जैसे कई दोस्त थे तो सबकी अपनी अपनी च्वाइस थी, किसी ने नाम दिया किसी ने कुछ दिया, बाकी ब्रांड है अपना SSD एयरपोर्ट सैलून, सुखदेव सैन डोलिया एयरपोर्ट सैलून। अच्छा, जो एयरपोर्ट है तो एक ब्रांड के नाम से लिया? ब्रांड है जी बिल्कुल, ये भाइया की दुआत ब्रांड बनेगा ये। अच्छा, कोई कस्टमर बैठा है यहाँ पे जिन्हें काम कराया हो? हाँ, भाई बैठे थे थोड़ी देर पहले, मैंने देखे थे दुकान में, भाई साहब बैठे, भाई से बात करने की कोशिश करेंगे हम, किसा काम कराया आप यहाँ? सेविंग कराई आपने? उसके बाद मैंने देख रहा जब मैं बैठा था यहाँ पे तो आप कुछ फेस वॉश सा भी करा रहे थे, कितना आनंद आया, क्या संतुष्टि मिली? पूरी संतुष्टि मिली भाई साहब, संतुष्टि के चक्कर में हम इतने दुआ से दूसरे जगह थे, इसके पहले वाली जगह जाते थे, काम का पता चला आज भाई ने दूसरा काम शुरू कराया है तो इधर आ गया हम भी, 10 किलोमीटर घूम के इधर आए, क्यों आए, काम के चक्कर में आए, भाई का व्यवहार बढ़िया है, पब्लिक डीलिंग बढ़िया होनी चाहिए, काम अपने आप बढ़ता चला जाएगा बंदे का, यही व्यवहार आगे चलेगा, वहाँ की पब्लिक भी आएगी, यहाँ भी यहाँ का माहौल भी देखेंगे, काम अच्छा है इसका जी। काम अच्छा है तो अपने आप काम अच्छा करना चाहिए बंदे ने, ये जी बिल्कुल। और मैं एक बात और बता दूँ आप, ये नाम के नाई नहीं है, ये काम के भी नाई है और बिरादरी से भी नाई है। हाँ, बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना बताऊंगा, मैं एक वीडियो और लाने चाह रहा हूँ आपके बीच में, बहुत जल्द लेके आऊंगा एक वीडियो ऐसी, क्या लोग अपने काम से दूर होते जा रहे हैं, एक जो है मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसी जो बात करें तो हम पीढ़ी है जो नष्ट होती जा रही है, उसकी भी वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा। बात करें तो हम बड़े भाऊजी अपने साथ बैठे हैं, भाऊजी क्या कहना चाहोगे आज भाई ने तीसरी ब्रांच खोली है? भाई मेरा छोटा भाई है ये जी, मैं इससे इतना खुश हूँ शायद मैंने कभी सोचा भी ना हो, मेरा भाई एक से तीसरी दुकान पे आया जी, क्योंकि मैं हूँ एम्प्लॉय आदमी जी, तो जो आप बात कह रहे हो वो रियलिटी है, 101% फैक्ट है, मेरी बरादरी इस चीज़ से इतनी दूर चली गई है, अदर कास्टों ने ये प्रोफेशन अपना लिया क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन इस हमारे भाई ने अपनी जो पैतृक वो चीज़ है उसको डूबने से आज तक बचा रखा है, तो मैं चाहूँगा भाई को 3 की जगह पीछे एक डंडा और लग के 31 हों, मैं तो यहाँ तक की कामना के लिए आया हूँ भाई के पास। मैं भाई की बात करूँ सुखदेव की, भाई की सोशल मीडिया पे मैंने एक चीज़ देखी थी, सोशल मीडिया के ऊपर लिख रखा था भाई ने कि ना कहीं और दुकान मिलती होगी वहाँ भी कर लेंगे चालू, क्या बात सच है भाई? हाँ बिल्कुल, पानीपत में जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ कर दोगे? वहीं कर दे, तो भगवान की दया से ही काम सिस्टम चल रहा है। अच्छा, आखिरी बात कहूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करे, कस्टमर जो है अपने माल टाउन एरिया जो पड़ता है, शांति नगर और विराट नगर का एरिया जो पड़ता है, क्या कहना चाहोगे कस्टमरों से? हम तो कह जी देखो नकलियों से सावधान जी, बिल्कुल यही सारा कुछ अलग तरीके का है, ये सारा कुछ अलग तरीके का, जैसे आप देख रहे हो आजकल बिल्कुल माहौल बहुत खराब हो रहा है, कहीं कुछ भी हो सकता है, तो अपना अपना ही होता है जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भाई शॉप के मालिक, बात करें तो हम दोबारा एक बार दिखाएंगे आपको सारी जो है सैलून जो बनाया है, इसके अंदर फेशियल जो है, जो ओरिजिनल जो फेशियल की जाती है, जो बेड पे लिटा के जो फेशियल की जाती है वो अंदर की जाती है, और बात करें तो हम इसके बाद यहाँ पर महिलाओं के जो काम होते हैं, महिलाओं के जो फेशियल हो गया, या फिर हम बात करें तो हम उनके हेयर का कोई काम हो गया, कुछ भी काम होगा वो सारा यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल लेडीज़ का काम कब से शुरू हो जाएगा यहाँ पर? लेडीज़ का काम 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। तो जितने भी साथी आप वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सभी साथियों को मैं दोबारा बता दूँ, विराट नगर और शांति नगर के बीच से जो रास्ता जाता है, जो रोड है, जो बाल विकास का रोड है, उसी पर ये दुकान है, हेयरपोर्ट के नाम से दुकान है। और सबसे खास बात यह है, इस बोर्ड के ऊपर जो हेयरपोर्ट का जो बोर्ड लगा उसके ऊपर जय श्री राम लिखा मिलेगा, क्योंकि भाई राम भगत है और इसलिए जय श्री राम लिखवाया। और जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि वीडियो पानीपत के हर उस साथी के पास पहुंचे जो इस सैलून पर आना चाहे, जो अच्छा काम करवाना चाहे। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।